नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मेरा ये वीडियो निकालने का जो उद्देश्य है कि मैं मेरे गार्डन में कौन कौन से फूल ऐसे लगाई हूँ जिसका उपयोग मैं भगवान के लिए करती हूँ, और पूजा के लिए मुझे उपयुक्त जो पौधे हैं वो दिखाना। सभी तो मैं पूजा के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी आपको कहीं ऐसे पौधे दिखा रही हूँ क्योंकि ये पौधे बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं। आज का मेन उद्देश्य तो मेरा ये दिखाना है कि मैं मेरे भगवान के लिए उपयुक्त ऐसे कौन कौन से पौधे मेरे आंगन में टेरेस गार्डन में लगाया है। तो जिनिया जैसे जो पौधे होते हैं इनको हम ऑर्नामेंटल भी रख सकते हैं और पूजा के लिए भी रखेंगे तो ये जल्दी से सूखते नहीं हैं और दिखने में बहुत ब्राइट कलर के होने के कारण दिखते तो बहुत सुंदर है। अगर आपके घर में बड़ी धूमधाम वाली पूजा है तो वैसे वाले में तो ये डेकोरेशन का काम तो करते ही है। ये देखिए, इसको ना ऐसे थोड़ी सी कीड़ सी लग गई है, तो ये छोटे छोटे कीड़ जो होते हैं ना हमको दिखाई नहीं देते और ये बहुत ही पौधों को हानि पहुंचाते हैं। और ये सब हमको कब दिखते हैं, जब हम आराम से अपने गार्डन में घूम रहे होते हैं ना, तो हमारी नज़र तो उन पर पड़ ही जाती है, तब उसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो इस तरह से पौधे को खा लेते हैं। मेरे आंगन में बहुत सारे पौधे लगाए हैं, आंगन मतलब टेरेस में। आंगन में तो बहुत इंडोर प्लांट्स है, टेरेस गार्डन में गुलाब है, जिनिया है, शेवंती है, जासवंती है, मोगरा है, बहुत सारे हैं जो अभी खिले हैं, कुछ नहीं खिले हैं क्योंकि किसी का अभी बाहर है किसी का नहीं है। जो जो है मेरे टेरेस गार्डन में वो दिखा रही हूँ। और जो कुछ भी ये पौधे हैं जिसको मैंने कुछ ख़रीदा हुआ है, कुछ बीजों से तैयार किया हुआ है और कुछ डिवाइड करके लगाए हैं, तो ऐसे करके मैंने मेरा टेरेस गार्डन इतना सुंदर फूलों से भरा है। शेवंती के तो मेरे पास चार पांच कलर है, शेडेड भी है, दिखते बहुत सुंदर हैं और उसकी जो धीमी धीमी वाली खुशबू होती है पौधों के पास आप जाते हो ना तो वो महसूस होता है। येलो कलर जो है बहुत ही ब्राइट कलर में है, और एक है सफ़ेद कलर का जो अभी फ़िलहाल खिला नहीं है, तो वो भी बहुत सुंदर दिखता है। और वो सफ़ेद वाला जो है वो दिखता भी सुंदर है और उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। एक बार अगर शेवंती अपने आंगन में आ गई तो वो जाती नहीं है क्योंकि उसको ज़्यादा मेंटेनेंस की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, सीज़न वाइज वो फूल दे के चला जाता है और फिर उसकी जो बेबी प्लांट है वो अपने आप आते हैं। और ये गुल मेहंदी के जो होते हैं सीड से आते हैं, लेकिन इसको पूजा के तौर पर उतना तो यूज़ नहीं करती हूँ मैं, इसको गौरी के फूल भी हमारे यहाँ बुलाते हैं, तो भगवान के लिए श्रेष्ठ तो माने हैं लेकिन ये बहुत सॉफ्ट नेचर के होने के कारण मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ जितना दूसरों के। जो छोटा वाला झेंडू होता है, ये वाला गेंदा बोलते हैं, उसको यूज़ करती हूँ मैं, उसके हार बनाती हूँ, नहीं तो सिंगल पीस भी भगवान के लिए यूज़ हो जाता है। यह शंख पुष्पी गोकर्ण का तो महत्व आप सभी जानते हैं, तो उसका यूज़ मैं कर लेती हूँ। अभी तक मैंने उसकी चाय नहीं बनाई है, जब बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सुना है कि इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है और सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन मैंने कभी बनाई नहीं है। चलिए फिर से ऐसे मज़ेदार वीडियो में मिलती हूँ।